नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स की। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स मीन्स ऐसे एसिम्प्टोट्स जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ना हो। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स हैं तो उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका हम प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड आउट करना है, यानी हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर पढ़ेंगे। सो प्रोसीजर टू फाइंड आउट एसिम्प्टोट्स y इक्वल्स टू mx प्लस c टू द कर्व f ऑफ xy इक्वल्स टू 0। हम इसका प्रोसीजर एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं टू फाइंड आउट दी एसिम्प्टोट्स y इक्वल्स टू mx प्लस c। देखिए, एक एग्जांपल लीजिए। फाइंड ऑल दी एसिम्प्टोट्स टू द कर्व दिस वन। अब देखिए, एक कर्व कैसी है हमारी, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। f ऑफ एक्स वाई हमारा ये लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा क्या है, f ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, जो सेम डिग्री की टर्म है, देखिए इसकी डिग्री क्या है 3, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री फिर से 3, इसकी डिग्री 2, 1, इसकी फिर से 3 और 3। तो 3 डिग्री की टर्म x की पावर 3 एक ये है, माइनस 2y की पावर 3 एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले तो हम सेम डिग्री की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन कैन बी रिटन एज x की पावर 3, इसके बाद माइनस 2y की पावर 3, देन प्लस 2x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x, ये इकट्ठा कर ली, ये 3 डिग्री की हो गई। इसके बाद सेकंड डिग्री की, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर एंड देन डिग्री 1 टर्म्स, दैट इज प्लस x प्लस y। सो प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 3। सो इसको बोलते हैं इट इज एन होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3। ऐसी ये क्या है, इट इज एन होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 एंड दिस वन इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 1, रीराइट द इक्वेशन इन द फॉर्म फाइ एन एक्स वाई प्लस फाइ एन माइनस 1 एक्स वाई, सो ऑन प्लस फाइ 1 एक्स वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जहां पे फाइ एन माइनस 1 ये क्या है, फाइ एन इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एन, इट इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एन माइनस 1। सो वी कैन से दैट वेयर फाइ आर एक्स वाई इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री आर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जैसे इसमें हमने कंप्लीट कर लिया। सो ये क्या हुआ हमारा, दिस वन इज फाइ थ्री एक्स वाई, दिस वन इज फाइ टू एक्स वाई एंड दिस वन इज फाइ वन एक्स वाई। स्टेप टू में क्या करेंगे हम, इन स्टेप टू पुट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m टू ऑब्टेन। अब देखिए, अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट कर दे और y की वैल्यू m पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, फाइ एन m टू ऑब्टेन फाइ एन m फाइ एन माइनस 1 m एंड सो ऑन, दैट इज फाइ 1 m। ये सारे क्या मिलेंगे हमें, दीज आर द पॉलीनोमियल्स। देखिए, अगर इसमें हम इस एग्जाम्पल में पुट करें x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m, सो फाइ 3 m ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 1 माइनस 2 m की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू m माइनस m स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे फाइ 2 m क्या हो जाएगा, फाइ 2 m क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 एम स्क्वेयर और ऐसे ही 5 1
m, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस m, ठीक है। अब देखिए हमारे पास थ्री होमोजीनियस फंक्शंस थे, सो तीन पॉलिनोमियल्स आ गए हमारे पास। अब सबसे हाईएस्ट डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ये पाई 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे। सो अगर इसको हम सोल्व करें तो यहां से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो होंगी, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड माइनस 1/2। आप इसको सोल्व करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। तो ये देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी स्टेप 3 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेप 3 क्या है, सॉल्व phi n m इक्वल टू 0 टू फाइंड m, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल था उसको हमने सॉल्व किया और m की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए m की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे m phi n m इक्वल टू 0 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो केसेज होंगे। केस 1, m इज नॉन रिपीटेड रूट, जैसे यहां पे देखिए m की वैल्यू क्या है 1, फिर है माइनस 1 और माइनस 1/2। ऐसा भी हो सकता है कि m की वैल्यू क्या है हमारी 1 एंड माइनस 1/2। तो उस केस में 1 क्या हुआ, रिपीटेड रूट हुआ, लेकिन यहां पे सारे के सारे क्या है, नॉन रिपीटेड रूट है। तो इस केस में इफ m इज नॉन रिपीटेड रूट देन वैल्यू ऑफ c इज गिवन बाय c इक्वल्स टू माइनस phi n माइनस 1 m, यानी जो हाईएस्ट डिग्री से एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल है वो लेंगे हम, और अपॉन में phi n डैश m इसका डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल था हमारा। तो इसमें जैसे अगर m के m इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग अगर फाइंड आउट करें हम, फॉर m इक्वल टू 1 c क्या होगा, माइनस phi n माइनस 1 m अपॉन phi n डैश m, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस phi 2 m अपॉन phi 3 डैश m। और अगर phi 3 डैश m निकाले हम तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, इट इज माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 m, और m की वैल्यू क्या है हमारी 1, सो दिस वन इज इक्वल टू माइनस phi 2 1 अपॉन phi 3 डैश 1। सो phi 3 डैश 1 क्या होगा, इट इज माइनस 6 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज माइनस 6, और phi 2 1 ये क्या होगा, इट इज 5 प्लस 5 दैट इज 10। सो वी गेट c इक्वल टू माइनस phi 2 ऑफ 1 दैट इज माइनस 10 अपॉन माइनस 6 दैट इज c इक्वल टू 5/3। ऐसे ही m इक्वल टू माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग हमें इसी फॉर्मूले से c मिल जाएगा, उसके लिए c की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अगर आप सोल्व करो तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 5/3। एंड सिमिलरली फॉर m इक्वल टू माइनस 1/2, फॉर दिस वी विल गेट c इक्वल टू माइनस 25/6। सो इसके जो तीन एसिम्प्टोट्स जो होंगे वो क्या होंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दैट इज x m इक्वल टू 1 और c इज 5/3 प्लस 5/3 फॉर करस्पॉन्डिंग टू दिस वन, y इक्वल टू माइनस x माइनस 5/3 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस वन वी हैव y इक्वल टू माइनस x बाय 2 माइनस 25/6। सो दीज आर द थ्री एसिम्प्टोट्स फॉर दिस कर्व। अब देखिए ये तो हुआ नॉन रिपीटेड रूट। नाउ केस 2, इफ m इज रिपीटेड रूट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास
दो सब केसेस बनेंगे अगर m हमारा रिपीटेड रूट है तो। ठीक है, अगर m हमारा रिपीटेड रूट हुआ तो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस हमारे पास फाई n डैश m इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। अगर m हमारा रिपीटेड रूट होता है तो वो हमेशा होगा कि उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी वहां पे क्या होगी, जीरो। अब देखिए अगर इस फॉर्मूले के को देखें हम, ये जीरो है और अगर ये नॉन जीरो है हमारा तो ये सी की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी। यानी इस केस में सी की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। केस वन यानी केस टू ए, फाइ एन माइनस वन एम इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई c की वैल्यू नहीं मिलेगी। दैट मीन्स देर इज नो asymptotes corresponding टू slog m। ठीक है, अगर m हमारा रिपीटेड रूट है, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, अगर m हमारा रिपीटेड रूट है तो ये तो जीरो होगा ही होगा। अगर इसके साथ साथ इसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो हो तो उस केस में हमें कोई एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। और अगर इसकी वैल्यू जीरो हो तो यहां से देखिए, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहां से जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई और फॉर्मूला चाहिए। सो ऐसी में केस टू बी, केस टू बी क्या होगा, दैट इज अगर इसकी वैल्यू हमारी जीरो है, दैट इज फाइव एन माइनस वन एम इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ सी, दैट इज करस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ सी इज गिवन बाय सी स्क्वेयर बाय टू फाइव एन का डबल डेरिवेटिव एट एम प्लस सी फाइव एन माइनस वन का सिंगल डेरिवेटिव प्लस फाइव एन माइनस टू एम इक्वल्स टू जीरो। अगर फाइव ऑफ एन माइनस वन भी जीरो है हमारा m पे, तो उस केस में जो c की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगी। दैट इज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन c स्क्वायर बाय टू फाइव एन डबल डेरिवेटिव एट m प्लस c फाइव एन माइनस वन सिंगल डेरिवेटिव एट m प्लस फाइव एन माइनस टू एम इक्वल्स टू जीरो। अब ये देखिए c में सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें दो c की वैल्यू मिलेंगी अलग अलग, या सेम भी हो सकती है। और अगर दो अलग अलग c की वैल्यू मिलती है तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, वी विल गेट टू asymptotes विच आर पैरेलल, क्योंकि m की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। सो केस वन हम कर चुके हैं, दिस वन। केस टू के लिए एक एग्जाम्पल करेंगे और टू बी के लिए भी, उस एग्जाम्पल से एक केस टू अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, जैसे हमने यहां पे पुट किया था y equals to m x plus c, यानी m और c की वैल्यू जो आएगी वो हमें इसमें पुट कर देनी है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट ओब्लिक asymptotes। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।